भिलाई शहर के कैंप एक में स्थित है हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना, जहां साल भर मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाते हैं। इन दिनों कुछ प्रोग्राम को लेकर कुछ लोगों द्वारा चंदा उगाही करने की खबरें आई हैं, जिसे देखते हुए ताज दरबार कमेटी ने शहर वासियों से अपील की है कि ताज दरबार में होने वाली किसी भी प्रोग्राम के लिए चंदे की शक्ल में कोई भी रकम किसी को न दी जाए। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर 17 मार्च को बाबा ताज का शाही संदल भिलाई कैंप स्थित उनके आस्ताने से निकाला जाएगा। ये प्रोग्राम ताज दरबार कमेटी की जानिब से किया जा रहा है। इस मौके पर बाबा के मुरीद और चाहने वाले बड़ी तादाद में शामिल होंगे। परंतु इसी दौरान एक बड़ी खबर ने ताज दरबार कमेटी को हैरान कर रखा है। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के इस आस्ताने में साल भर कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार का कोई चंदा नहीं दिया जाता, जिससे इस दरबार की शानो शौकत में कोई फर्क पड़े। ये सारा प्रोग्राम बाबा के मुरीद और चाहने वालों के द्वारा कराया जाता है, जिसमें ताज दरबार कमेटी का अहम योगदान होता है। इस वजह से ताज दरबार कमेटी की अध्यक्षा हज्जन बद्रुन्निसा ताजी और गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक ताजी ने शहरवासियों से अपील की है कि यदि कोई भी ताज दरबार के नाम से चंदा उगाही कर रहा हो तो उसे चंदा ना दें और इसकी सूचना जल्द से जल्द ताज दरबार कमेटी को करें। 17 मार्च 2022 बाबा ताज का शाही संदल हर साल की तरह इस साल भी बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है और कई वर्षों से उनका दरबारी शाही संदल निकालते हैं। शहरवासियों से अपील करेंगे? शहरवासियों से यही अपील करते हैं कि अपने शाही संदल में शिरकत अता फरमाए और दुआएं लेते जाए। हमें कुछ ऐसी कुछ बातें नहीं, हमारे यहाँ दरबार में हम लोग किसी भी किस्म का चंदा नहीं लेते हैं और उनके चाहने वाले खुद ही करते हैं, और अगर कोई ऐसा चंदा लेता है दरबार के नाम से तो हर किसी को हम ये बताना चाहते हैं कि ताज दरबार के नाम से किसी को किसी भी प्रकार का चंदा ना दे। हमारे दरबार की शान जैसी बनी है बनी रहने दे। 17 मार्च को हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक ताज दरबार में मनाया जाएगा। इस दौरान शाम में 4 बजे ताज दरबार से दरबारी शाही संदल निकाला जाएगा और शहर का गश्त करता हुआ वापस फिर ताज दरबार पहुँचेगा। लंगर का एहतमाम भी है? इसके बाद यहाँ पे फातिहा खानी और लंगर का एहतमाम किया गया है, जो लंगर जाहिरीनों में तकसीम किया जाएगा। यहाँ साल कई किस्म के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। यहाँ पे सारे कार्यक्रम में किसी भी तरह का चंदा नहीं लिया जाता है। इस बात से बड़ा दुख हो रहा है सुन के कि जो पिछले बार कार्यक्रम हुआ है उसके नाम से शहर में ताज दरबार के नाम से चंदा उगाही की गई है। यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम में चंदा की वसूली नहीं की जाती है। शहरवासियों से मेरी ये अपील है कि ताज दरबार के नाम से किसी को भी चंदा ना दे। अगर कोई ऐसा करता है यहाँ के नाम से चंदा लेता है तो ताज दरबार को खबर करे और किसी को किसी तरह का चंदा ना दे। जब से कैंप एक में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना बना है, तब से लेकर आज तक ताज दरबार कमेटी द्वारा यहां प्रोग्राम कराया जाता रहा है। परंतु ये खबर आहत करने वाली है कि आप कुछ लोगों द्वारा इस प्रोग्राम के जरिए चंदा उगाही किया जा रहा है, जिससे ताज दरबार कमेटी भी सोच में पड़ गई है और इसलिए सारे शहरवासियों से अपील की जा रही है कि किसी भी इंसान को ताज दरबार के नाम से चंदा ना दें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।